आज बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को भारांग भी बोलते हैं। भा से भारत, रा से राष्ट्रीय और गा से पंचांग। ये मैंने टाइमलाइन बनाई है। ये वन डिनोट कर रहा है जीसस क्राइस्ट के बर्थ या फिर जन्म को। इसके पहले जो भी समय रहा होगा उसे हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट बीसी। और एडी मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट नहीं होगा, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। 78 एडी मतलब 78 एडी से स्टार्ट हुआ शक संवत, 78 एडी से स्टार्ट हुआ शक संवत। और किसने स्टार्ट किया? कनिष्क, राजा कनिष्क ने स्टार्ट किया शक संवत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 को इसे नेशनल कैलेंडर के रूप में अपनाया। वहीं बात करें शक संवत के पहले महीने की, तो शक संवत का पहला महीना होता है चैत्र और आखिरी महीना होता है फागुन।